शिक्षा ग्रहण कर ली है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं और शिक्षा से हाँ कॉलेज भी पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। बोर्ड पे आप लिखते लिख कैसे? लिख लेते हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अच्छा, कुर्सी पर अभी बैठे हुए हैं, इतना ऊंचा बोर्ड रहता है, लिख लेते हैं। हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। ये दूसरों को हिदायत देते हैं कि हिम्मत मत हारना। मुख्यमंत्री को जगाने से कुछ नहीं होगा, वो जगबे नहीं करते। हम उनको जनता दरबार में 20 बार गए हैं। सरकार कहता है कि चुपचाप भीख मांगो, मैं भीख दूंगा, ट्राईसाइकिल दे देंगे, बैसाखी दे देंगे। मुझे बैसाखी की आवश्यकता नहीं है, हम शिक्षा ग्रहण किए हैं। यानी कि सरकार से हम रिक्शा और बैसाखी नहीं मांग रहे हैं। अंगता पर कहते हैं कि जो दिव्यांग पैर से है या कि हाथ से है या किसी भी अंग से है, वो दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आती है। दिव्यांग वो व्यक्ति होता है जो अपने माइंड का उपयोग नहीं करता, दिमाग से। जैसे आज हमारे शिक्षा मंत्री जी बने हुए हैं, दिव्यांग से विकलांग बने हुए हैं। हाँ, शिक्षा मंत्री दिव्यांग है, मानसिक दिव्यांग है, वो मानसिक दिव्यांग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम सिंह आज एक नई कहानी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं एक दिव्यांग की कहानी लेकर आई हूँ। हालांकि ये सीटेट से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाइएगा। ये कोई कमज़ोर नहीं है, सीख देने वाली ये कहानी है। बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा आप ये कहानी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब कोई भी नेता हो या मंत्री हो, जब वो अपने मंच पर चढ़ते हैं तो चढ़ने समय वो एक ही बात सबसे पहले कहते हैं कि हम गरीबों की मदद करेंगे, जो भी दिव्यांग है उनके लिए सबसे पहले काम करेंगे। लेकिन जब इस दिव्यांग से आप मिलिएगा तो आप सोचिएगा कि ये वोट मांगने के पहले क्या कुछ जो पैतरेबाजी होते हैं उसका साक्ष्य यही लोग बताएंगे हमें। और ये गया से आए हैं, हमारी आवाज़ सुनकर आए हैं, जो मैं पहले भी आपको वीडियो बनाकर दी थी कि अगर कोई भी इस तरह के लोग हैं तो हमसे कांटेक्ट करें, बात करें। और इसी संदर्भ में इन्होंने हमारी कहानी को देखा है और हमसे कांटेक्ट किए हैं, हमसे बात करने के लिए जुड़े हुए हैं। आप गया से आ रहे हैं? गया से आ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आप किस तरह से, मतलब शुरू से ही इस तरह से हैं? नहीं, मैं यह जब 3 साल के थे तब पोलियो हो गया था। पोलियो हो गया था उस समय। डॉक्टर, मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता। राजेश कुमार है। राजेश जी को 3 साल पहले पोलियो, जब ये 3 साल के थे तो उन्हें पोलियो हो गया था। उनकी जो पत्नी जो है वो भी साथ में है और वो भी दिव्यांग है, वो भी अपने पैरों से ठीक तरह से चल नहीं सकती हैं। और बताइए आप किस तरह से स्ट्रगल करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं? आप तो एक सीटेट वाले के लिए एक मिसाल बन कर खड़ा हुए हैं। गया से ट्रेन से कहते ना है कि गम जिसने दिया है वही गम दूर करेगा, और मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। किसी तो एक प्रकार से है कि मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, लेकिन हमको मुझे याद नहीं है। लेकिन हम मेहनत के ऊपर हम अपने दिव्यांगता नहीं लेते हैं। किस तरह से मेहनत करके आज क्या कुछ बन चुके हैं? शिक्षा मेरे ऊपर शिक्षा है। अपने शिक्षा ग्रहण कर लिए हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं और शिक्षा से हाँ कॉलेज भी पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। मैं आप क्या कुछ मतलब किए हैं? एमएड किए हैं और एमएड भी किए हैं। सीटेट करने के बाद आपको कोई जॉब नहीं मिली है। ये सरकारी तंत्र को विफलता को दर्शाती है। कॉलेज में आप पढ़ाने जाते हैं? हाँ, कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं हम, कॉलेज के लेकर। वहाँ पर बच्चे आपसे मतलब बहुत बहुत आप जैसा आपसे बड़ा बड़ा सीनियर, इनसे सीनियर हम मुझे पढ़ाते हैं। जब बोर्ड पर लिखना शुरू होता है तो मुझसे झुक जाते हैं। कोई बच्चे को बोल दे कि मुझे कोई प्रणाम मत करिएगा, जिसको पढ़ना होगा पढ़िएगा, जिसको बैग लेकर निकलना होगा निकल जाइएगा, बीच में रोकिएगा नहीं मुझे। बोर्ड पे आप लिखते लिख कैसे? लिख लेते हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अच्छा, कुर्सी पर अभी बैठे हुए हैं, इतना ऊंचा बोर्ड रहता है, लिख लेते हैं। मिटारने वाला थोड़ा तैयार हो रहा था। अच्छा, कोई मिटारने वाला एक रहता है? मिटारने वाला तैयार, हाँ सर लिख दिया, मिटार देते हैं, मिटारने वाला तैयार रहता है। और मतलब चेयर वगैरह? हाँ चेयर है, चेयर भी है और बेंच। ट्रेन में कैसे चढ़ के आए? ट्रेन में मुझे कोई अभी चाहिए कहीं, उस पर चढ़ के बताते हैं, इस पर भी चढ़ के बता देंगे। कितने बार आप आ चुके हैं यहाँ पर? अभी तो मैंने गर्दनी बाग में तो पहली बार आए हैं। लेकिन ट्रेन का सफर? हाँ, ट्रेन का सफर तो हमेशा, हमारा पूरा इंडिया घुमा हुआ है, इंडिया में कहीं भी कोई चीज छुपा नहीं। आप किस तरह से अपने ये हस्बैंड का हेल्प करते हैं जब वो चलते वगैरह हैं या किसी काम में? मतलब घर से आए हैं लेकिन वहाँ घर पे ही हेल्प करती होंगी? खाना बना के, हाँ पढ़ती है, बोलते कि मेहनत करो, तू भी लिखना सीखो पढ़ना सीखो, मेहनत करो, आगे कुछ बहुत आगे होगा, हिम्मत मत हारना।
हिम्मत मत हारना, बताइए ये दूसरों को हिदायत देते हैं कि हिम्मत मत हारना। अब सरकार को आप क्या कहिएगा, यहाँ पर आप आंदोलन हो रहा है, अनिश्चितकालीन धरना पे आप यहाँ पे आए हैं, क्या कहिएगा सरकार? सरकार को यही कहना चाहते हैं कि जो 7/6 का नोटिफिकेशन है वो सरकारी तंत्र को आपको जो 6 में विफलता को दर्शाया है, ये तो उसको 7 दिनों से सब हाँ, उसको मजबूत करते हुए, उसको मैंने सुदृढ़ करते हुए आप नोटिफिकेशन जारी करें, एक प्लेटफार्म पर हम लोग के आवेदन लें और वहीं से मेरिट बनाकर हम लोग के जो भी क्वालिफाइड हैं उनको मेरिट के आधार पर नियुक्ति प्रदान करें। शादी के समय आपके कुछ प्रॉब्लम हुई थी? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, नो प्रॉब्लम। मतलब जो शादी करने के लिए जो आए थे तो पूछे होंगे? पूछे थे, बहुत सा आया था, बहुत से आए ऐसे पूछते थे वैसे पूछते, लेकिन इनको दोनों भाई आए और मम्मी आए ना, तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन दिखाया कि कॉलेज में, बोले कि चलिए मेरा कॉलेज में पता कर लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरा 1 से कुछ से नहीं रहा, अपना गलती के कारण नहीं रहा, लेकिन मुझे सरकारी जॉब हो जाएगी। कहाँ पढ़े हुए हैं, किस किस कॉलेज में आप? मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA BEd किए हैं, BEd और MA, और गया कॉलेज गया से इंटरमीडिएट प्लस BA प्लस MA सारा कुछ, मतलब अकेले ही जाकर? हाँ, हाँ, अकेले नहीं ना, अकेले सब, अकेले ट्राईसाइकिल से जाना है, वहाँ से छूटना है, बस ट्यूशन कोचिंग और उसके अलावा कुछ नहीं, अपने से खाना बना करके जाना। यहाँ पर आप आए हैं, हाँ, मुख्यमंत्री को किस तरह से आप जगाने की कोशिश कीजिएगा? मुख्यमंत्री को जगाने से कुछ नहीं होगा, वो जगबे नहीं करते, हम उनको जनता दरबार में 20 गए हैं, ऐसे बोलने से क्या सुनेंगे दूसरा कोई 10 सुनेगा? दिव्यांग को दिव्यांग क्या है, दिव्यांग विकलांग से दिव्यांग कर दिया दिव्यांग, वो सरकार कहता है कि चुपचाप भीख मांगो मैं भीख दूंगा, ट्राईसाइकिल दे देंगे, बैसाखी दे देंगे, मुझे बैसाखी की आवश्यकता नहीं है, हम शिक्षा ग्रहण किए हैं, हम आपका नॉर्म्स को पालन करके शिक्षा सब क्वालिफाइड किए हैं, आपके जितनी भी अर्हताएँ हैं शिक्षा संबंधी, जो एक टीचर का क्वालिटी होना चाहिए तो उसमें मुझे है, आपका सर्टिफिकेट देख रहे हैं, सर्टिफिकेट देखिए, और मुझे अपने अधिकार के लिए, हम अधिकार मांगने के लिए सरकार से कहते हैं, यानी कि सरकार से हम रिक्शा और बैसाखी नहीं मांग रहे हैं। दिव्यांगता पर कहते हैं कि जो दिव्यांग पैर से है या हाथ से है या किसी भी अंग से है वो दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आती है, दिव्यांग वो व्यक्ति होता है जो अपने माइंड का उपयोग नहीं करता, दिमाग से, जैसे आज हमारे शिक्षा मंत्री जी बने हुए हैं दिव्यांग से विकलांग बने हुए हैं, क्योंकि आज हम लोग 7 से कि हम लोग गलत मांग नहीं कर रहे, आज बिहार में लगभग 3 से 3.5 लाख शिक्षक की पद खाली है, जो ये शिक्षा मंत्री को अगर थोड़ा सा भी माइंड अगर सेंस बचता, विकलांग नहीं रहते तो हम लोग के नोटिफिकेशन जारी करके और शिक्षा तंत्र को मजबूत करते, यानी कि शिक्षा मंत्री ही दिव्यांग? हाँ, शिक्षा मंत्री दिव्यांग है, मानसिक दिव्यांग है वो, मानसिक दिव्यांग है। चलिए, तो आपने सुना, ये जो मैंने दिव्यांग नहीं कहूंगी क्योंकि हालांकि भगवान ने इन्हें जो दिव्यांग इस तरह से हो गए पोलियो मार दिया है, लेकिन इनका जो दम है, जो हौसला है वो काफी बुलंद है और दूसरे को सीख देने वाली है। गया से यहाँ पड़ा है, इतनी गर्मी में गर्दनी बाग धरना स्थल पर और यहाँ पर रुके हुए हैं, जबकि ये जान रहे हैं, लगातार वीडियो देख रहे हैं, जान रहे हैं कि खाने का भी भरोसा नहीं है कि कब खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पड़ा है। सोचिए क्या हालत है बिहार की, लेकिन फिर भी लोग लड़ रहे हैं अपने हौसलों पे। चलिए, फिलहाल के लिए आप लाइव बिहार के साथ बने रहें, जुड़े रहें और ऐसी और भी कहानियों को लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर होती हूं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।